भदोही जिलाधिकारी विशाल सिंह ने जिला खेल कार्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम भदोही के बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में अत्याधुनिक जिम का लोकार्पण कर इसे जनपद वासियों को समर्पित किया। इस जिम में खेल प्रोत्साहन निधि से लगभग 2 से 4 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक मशीनें, जेंट्स और लेडीज टॉयलेट, बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाने हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि ये जिम जनपद वासियों के लिए एक वरदान है। यहाँ पर उपलब्ध आधुनिक मशीनें लोगों को अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि ये एडवांस जिम भदोही वासियों के लिए बहुउपयोगी सुविधा होगी। ये जिम जनपद वासियों के लिए खुला है और वे यहाँ अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए आए। क्रीड़ा अधिकारी अभिज्ञान मालवीय ने मशीनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये मशीनें शरीर के अलग अलग अंगों के विकास के लिए डिजाइन की गई है। जिम में उपलब्ध मशीनों में ट्रेडमिल, साइकिलिंग मशीन, आर्म कर्ल, शोल्डर प्रेस, बैक एक्सरसाइज, एब्डोमिनल एक्सरसाइज, लेग एक्सटेंशन, बेंच प्रेस, रोड प्लेट, डंबल आदि शामिल है। स्ट्रीट बर्स के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज जनपद भदोही में जो पूर्व से निर्मित हमारा स्टेडियम था मुंशी लाटपुर में, इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और ये बंद पड़ा हुआ था। तो इसका जो बैडमिंटन कोर्ट था, खाली एक कोर्ट चलता था, बाकी सब कुछ बंद था। यहाँ पर पिछले 4 माह में हम लोगों ने ये प्रण किया कि हम 15 अगस्त के दिन तक इस पूरी व्यवस्था को बदलेंगे और खेल प्रोत्साहन समिति के माध्यम से जो धनराशि हमने इकट्ठी करी थी अब तक जनपद में, उस धनराशि के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ का पूरा कायाकल्प हुआ है। और आप देख सकते हैं कि बाहर से ही बिल्डिंग को ठीक करना, पुताई रिपेयर करने के साथ साथ इसमें आज के दिन में जिसका उद्घाटन हम लोगों ने किया है, लोकार्पण मैं कह सकता हूँ कि जनता को यूज़ करने के लिए खोला है, उसमें मुख्य रूप से 3 कमरे हैं जिनको पूरा प्रॉपर ठीक किया गया है। तो टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग, खिलाड़ियों के लिए, और साथ ही साथ अत्याधुनिक जिम आज जनता को समर्पित हुआ है, जिसमें हमें लगता है कि कुछ नहीं तो कम से कम 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक की मशीनें होंगी, जो आप लोग जाके देख सकते हैं। ऊपर 2-2.5 करोड़ रुपए की मशीनें हैं, बहुत महंगी मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं आज वो सब लगाई गई हैं और अब जनता को उपलब्ध रहेगी, वो वहाँ आकर के कर सकते हैं ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, और साथ ही साथ बैडमिंटन कोर्ट का जो 2 कोर्ट बने हुए थे पूर्व से उनको रिपेयर किया गया, कुश्ती के लिए एक फर्श बनाई गई, पूरे हॉल को अंदर से रिपेयर करके उसको प्रॉपर उसका एग्जॉस्ट फैन, लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था ठीक की गई, पेंट पुताई करके। तो अब मैं आज काफ़ी अच्छा हम महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों की जो टीम है, इस टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इस स्टेडियम का मुंशी लाटपुर के रख रखाव करने का प्रण किया है और अब तक जो व्यवस्थाएँ ख़राब थी उनको सुधार दिया गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के आज जो जनता है, जो बच्चे हैं जिनको ट्रेनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है या आर्मी की प्रिपरेशन, पुलिस की प्रिपरेशन करनी है, शारीरिक स्वास्थ्य में ध्यान देना चाहते हैं, सबको यहाँ पर एक अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें 3 ट्रेडमिल मशीनें हैं और 3 आपकी साइकिलिंग हैं और उसके अलावा कई ऐसी एक्सरसाइजेस करने के लिए भी मशीनें हैं जिनके ऊपर हम बैठ करके भी अपने डिफरेंट बॉडी मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। और ये टोटल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग है, खिलाड़ियों के लिए स्पेशली बनाई गई है ये पूरा सेक्शन, ताकि कि खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा ले सकें, इस हमारे जिला खेल कार्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो स्थापित जिम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके खिलाड़ियों को। चार्ज इसमें 500 रुपये है, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने हमें आदेश किया है, तो इसमें मौखिक आदेश है उनका कि 500 रुपये पर मंथ और 1000 रुपये जो सभी खिलाड़ियों को ये साल का एक बार देना होता है, वो प्रोत्साहन समिति में जमा होता है, जिला खेल प्रोत्साहन समिति। इस पूरी जिम की लागत 1 करोड़ रुपए है और ये जल्द ही और बड़ी स्तर पे भी खुलने वाला है, जिसके लिए शासन में प्रस्ताव भेजा गया है और जैसे ही वहाँ से पास होकर के आएगा तो ये और बड़े स्तर पे बनेगा। यहाँ बैडमिंटन हॉल पे कार्य हुआ था वो बहुत सुंदर बना दिया गया है और रेसलिंग का जो पहले बड़ा ही विचित्र तरीके से उसको मैटिंग थी, तो उसको डीएम साहब की बदौलत उसका रेनोवेशन हुआ, उस पर टाइल्स लगी और आज वो खिलाड़ियों के लिए एक अलग उत्साह दे रहा है वो कोर्ट उनका। नमस्कार, अभा मार्ट की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे यहाँ अभा मार्ट में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, किचन का आइटम, काकरी सामान, कपड़े और खाने पीने की सामग्री उचित मूल्य में प्रदान किया जाता है। अतः आप सभी से अनुरोध है
कि आप हमारे प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद।